गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए, लास्ट क्लास में हमने सर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, वैक्सीन 18 प्लस हूँ पर वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। चल, हैप्पी ईद बोल रहे हैं कुछ लोग। चलो भाई, सभी को हैप्पी ईद। कल हमने कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन पढ़ा है ना। एक क्वेश्चन कराया था बिगिनर बॉक्स फिट करने की, राइट। अब उसी पर बेस्ड मैंने दो क्वेश्चन और लिखे हुए लिखे बोर्ड पर। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ओके, आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे शिओकर अंश, हैप्पी बर्थडे है ना। बस पार्टी नहीं मांग सकते हैं आपसे अभी लॉकडाउन में। चलिए, चलो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करें अंश। ओके, पढ़ाई स्टार्ट करें। चलिए बाकी सभी लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये दो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, एफ एक्स जी एक्स, तो क्या बनाना है? फॉग और बॉब बनाना। कैसे फंक्शन है? नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, एक क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन जिसमें एफ ऑफ एफ एक्स, क्लियर है? हम ये दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करें। प्रोसीजर तो सभी को मालूम है, सबसे पहले मैं फॉग बना, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब, एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स रख दें, ये एफ एक्स है, इसमें हम जी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें, वन माइनस जी एक्स, जी एक्स जहां भी एक्स दिख रहा हूं जी एक्स सब्स्टिट्यूट, जी एक्स इस पे, राइट। एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्स के प्लेस पर जी एक्स रख दिया, वन माइनस जी एक्स, जी एक्स लेस देन इक्वल। क्या ये पहली स्टेप सभी को समझ में आ गई? क्या फर्स्ट स्टेप? कल भी एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर है? अब ग्राफ किसका बनेगा? जी एक्स का ग्राफ बनेगा। अब जी एक्स का ग्राफ बने, जी एक्स का ग्राफ बनेगा है ना। तो जी एक्स का ग्राफ देखें, माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन वन, जब एक्स की वैल्यू वन से लेस हो, वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस, राइट, ये प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, जी एक्स का ग्राफ। एक्स लेस देन वन हो तो y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब ये वाली, कहां तक बनाना है? वन से लेस पर, तो वन पर तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, माइनस एक्स की लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है, माइनस वन पर प्लस वन होगा और प्लस वन पर, तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहां पर वन इंक्लूड नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब सेकेंड, जब वन से ग्रेटर है, वन से ग्रेटर है x, तो वन माइनस एक्स, तो y इक्वल टू वन माइनस एक्स, y इक्वल टू वन माइनस एक्स, तो x प्लस y इक्वल टू वन, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो x पर भी वन यूनिट का और y पर भी वन यूनिट का इंटरसेप्ट करती है। ठीक है, बना दें, वन से ग्रेटर पर बनाना है, ये पॉइंट इंक्लूड है। जो पैरेलल लाइन थी y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ये दोनों पैरेलल। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ग्राफ जी एक्स का ग्राफ सभी को समझ में आ गया? अब देखो जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो,
जी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। देखो y एक्सिस पर देखना है कि y इक्वल टू जी एक्स है, y एक्सिस पर देखना है x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, नीचे देखना है जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, जी एक्स मतलब x एक्सिस के नीचे देख। y नेगेटिव कहां होता है, जी एक्स नेगेटिव कहां होता है, x एक्सिस के नीचे। तो आपको दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, ये y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ भी दिख रहा है और ये 1 माइनस x का भी ग्राफ दिख रहा है। दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, जी एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो, y इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, x एक्सिस के नीचे, दोनों ग्राफ दिख रहे हैं। तो दोनों रखना पड़ेंगे, रख देते हैं 1 माइनस जी एक्स, पहले माइनस x रखा और फिर 1 माइनस जी एक्स, 1 माइनस। क्या ये सबको समझ में आया दोनों? अब x निकालना पड़ेगा, जी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो जब मैंने माइनस x रखा तो x कहां से कहां तक गया, जीरो से लेकर वन तक। देखो माइनस x रखा, ये रखा माइनस x, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक गई, जीरो से वन, x जीरो से, क्लियर। अब जब मैंने वन माइनस x रखा तो वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, वन से लेकर इनफाइनिट, x की वैल्यू वन से इनफाइनिट, वन से, राइट, ओके। अब आगे देखें, जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ही ग्राफ दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ही ग्राफ दिख रहा है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स जब ग्रेटर देन जीरो था तो जीरो से माइनस वन, एक्स कहां से कहां तक गया, जीरो से माइनस वन, कितने गया, ये अपन इसको और बढ़ा सकते हैं ना, ये एक मिनट, मैंने इस लाइन को यहीं तक क्यों बनाया था वो देखते हैं। एक्स इज लेस देन वन, लेस देन वन मतलब माइनस एक, मैंने ये वन से वन देख लिया था जबकि लाइन तो कहां तक जा रही, माइनस इनफिनिटी, लेस देन वन सभी पॉइंट के लिए डिफाइन, क्लियर, लाइन अपन कितनी भी बना सकते हैं, क्लियर, कहां तक भी ले सकते हैं क्योंकि लेस देन माइनस वन है, तो क्या बन रहा है माइनस एक्स, तो क्या आ रहा है माइनस इंफिनिटी से जीरो, माइनस इंफिनिटी से जीरो मतलब एक्स इज लेस देन जीरो, क्या इक्वेलिटी लगाऊं मैं जीरो पर, जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स क्या है माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो, तो जीरो पर इक्वेलिटी इसमें आएगी या उसमें आएगी वो देखना पड़ेगा, जीरो पर इक्वेलिटी फर्स्ट में आएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां जी एक्स लेस देन, समझ में आया, जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट में, ठीक है। तो बस फाइनल आंसर लिख दें, वन प्लस एक्स इफ एक्स लाइज फ्रॉम जीरो टू वन, राइट, वन से वन कैंसिल हो गया, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये एक्स इफ एक्स इज लेस देन, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अब इसको चाहे तो अपन जैसे स्मॉलर नंबर सबसे पहले लिख, ये डोमेन में स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ये केस ऊपर लिखते हैं, ये उसके बाद लिखते हैं, ये इधर, उससे कोई फर्क नहीं, समझ में आया कि सभी को, जल्दी नोट करें फिर हम फॉग के बाद गॉफ बनाते हैं। करेंगे नोट, तो प्रोसीजर सबको समझ में आ गया क्या, कैसे करते हैं, इनर फंक्शन का ग्राफ बना हो जाए तो बताएं, हम गॉफ और करते हैं, हो गया,
संचारी सभी का हो गया, अब क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट, अभी हमने फॉर्म बनाया, अब हम बनाएंगे फॉर्म। बॉफ मतलब जी ऑफ एफएक्स, जी में एफएक्स रखना है, रख दे जी में एफएक्स, जी है इसमें एफएक्स रख दो, तो माइनस एफएक्स, माइनस एफएक्स, एक्स के प्लेस पर क्या रखना है एफएक्स, और वन माइनस एफएक्स, fx is greater than or equal to 1. x, y, ठीक, ग्राफ किसका बनाएंगे, fx, fx का ग्राफ, तो x greater than 0 पर x square, x greater than 0 पर x square, x square मतलब 1 पर 1, पॉइंट भी लेट बनाते हैं ग्राफ, 1, 2, 1 पर 1, 2, 3, 4, 2 पर 4 है ना, ठीक है, ये x है, फिर x ग्रेट, जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है तो 1 माइनस, तो y equal to 1 minus x मतलब x 0 रखने पर y 1, y 0 रखने पर x 1, तो 1 1, और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये लाइन, क्या ठीक है, क्या ये लाइन है 1 minus x, ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूड है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं, क्योंकि x स्क्वायर, x बेटर देन, क्लियर है। अब जब fx लेस देन 1 है, fx लेस देन 1 है तो एक ही ग्राफ दिख रहा है, fx जब लेस देन 1 है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ हमने बनाया, जब fx लेस देन 1 है जब fx less than 1 है, क्या आया x square minus x, ठीक है, जब तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, fx less than 1, fx less than 1 0 to 1, समझ में आया, एक ही ग्राफ दिख रहा है x square, तो minus fx के प्लेस पर x square, और उस केस में x 0 to, यहां पर भी इक्वलिटी नहीं लगी तो 1 पे भी इक्वलिटी मिला, तो 0 तो इंक्लूड है, क्लियर, 1 माइनस fx, अब fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू में दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, दोनों ग्राफ दिख रहे हैं तो दोनों रखेंगे हम, 1 माइनस fx, fx की जगह एक बार x स्क्वायर रख दें, 1 माइनस fx, 1 माइनस, ठीक है, समझ में आया, एक तो जब 1 fx के प्लेस पर x स्क्वायर रखा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट, और इधर जब 1 माइनस x रखा तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। अब देखो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे ये वाला केस सबसे पहले लिखते हैं, 1 से 1 गया, x बचा, x less than or equal to 0, 1 से 1 गया, सबसे छोटा ये वाला,
फिर जीरो से वन में, जीरो से वन में माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वन से ग्रेटर देन और इक्वल टू वन से ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। क्या समझ में आ गया कि सभी को? समझ में आ गया, क्लियर है सभी को फॉग और गॉस कैसे बनाते हैं? प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड तो रहे, रिक्वायरमेंट तो है ना, ये हमने कल भी किया था एक क्वेश्चन, आज भी एक्सप्लेन किया है। इसको एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिकली में यूनियन इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ग्राफिकल बेस्ट वे है, इसीलिए ग्राफ से ही बताते हैं। कंप्लीटेड, सफल का मतलब पूरा केस सफल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर सफल कर दो, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा ना एक साथ। माइनस एक्स सफल का मतलब कुछ भी नहीं किया, एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो जो डोमेन नेगेटिव स्मॉलर डोमेन का जो सेट है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक गया, तो स्मॉलर वैल्यू पहले लिखते हैं, तो एक्स इज माइनस इंफिनिटी से जीरो तक की वैल्यू ये लिखती पहले, फिर जीरो से वन तक की वैल्यू ये लिखती, फिर वन से इंफिनिटी में कर सकते हैं भाई, आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते। इन जी एक्स इक्वल, क्या फिर से बोल रहे हो आप? मैंने एफ एक्स की जगह वन से ग्रेटर में वन माइनस एक्स भी रखा है और एक्स स्क्वायर भी रखा है। हाँ बेटा आपने क्या बोला, मैं क्लियर नहीं हुआ मुझे पॉइंट, फिर से लिखें चैट में, सेम रिपीट कर दें जिससे मैं आपका डाउट, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाऊं। जल्दी करें, हाँ करण जी, इन जी एक्स इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स वी हैव नॉट सब्सटीट्यूटेड वन में, हाँ बताता हूँ। देखो करणजीत आप पूछ रहे हो कि इसमें वन माइनस एक्स क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं, तो ये कब सॉल्व कर रहा है? एफ एक्स इज लेस देन वन के लिए सॉल्व कर, एफ एक्स जब लेस देन वन है तो हमें ये ग्राफ दिख ही नहीं रहा वन माइनस एक्स, एफ एक्स इज लेस देन वन में तो केवल एक ही ग्राफ दिख रहा है एक्स, और ग्राफ देखते ही तो डिसाइड करते हैं कि जब दोनों दिखते हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन में दोनों दिख रहे हैं करणजी, इसलिए दोनों सब्स्टिट्यूट किए हैं, और एफ एक्स लेस देन वन में केवल एक ही ग्राफ दिख रहा है एक्स, ठीक है करण जी, ओके क्लियर सभी को? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, हम सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन करें, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, मैं फर्स्ट रफ भी कर रहा हूं। हाँ सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, करें इसमें एफ ऑफ एफ एक्स बनाना, एफ ऑफ एफ एक्स, देखो अब इसमें ध्यान से देखना, कंपोजिशन करना है एफ से एफ पर, ग्राफ तो बन नहीं सकता, एक्स रेशनल, एक्स बिलोंग्स टू क्यू का मतलब जब एक्स रेशनल है तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू मतलब एक्स रेशनल नहीं है, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, then one minus x, okay? तो देखो ये थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिटिकल है, एल्जेब्रिक नहीं है क्योंकि ग्राफ भी नहीं बना सकते। देखो f of f x, सबसे पहला काम तो हम f of f x, तो क्या करें, जहां भी x है उसकी जगह f x रख दें, f x, अब f x belongs to q, वन माइनस एफ एक्स
fx does not belongs to. क्या इतना समझ में आया कि सबको, इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? अब सुने ध्यान, अब एनालिटिकल है, ग्राफ तो हम बना नहीं सकते रेशनल के लिए fx, ठीक है क्या? इसका ग्राफ तो प्लॉट कर नहीं सकते, ठीक देखेंगे। अब समझे ध्यान से, इधर देखें, जब x रेशनल है, जब x रेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू x है, fx क्या दे रहा है x, fx मतलब y इक्वल टू x, फंक्शन भी वही दे रहा है x भी वही, तो x जब रेशनल है तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, fx इक्वल टू क्या है x, जब x रेशनल है तो फंक्शन क्या देता है fx इक्वल टू x, और x रेशनल है, अगर कोई भी रेशनल रखेंगे तो फंक्शन भी क्या आ रहा है रेशनल, और x भी क्या है रेशनल, तो कहने का मतलब जब fx रेशनल हो तो fx की वैल्यू क्या रखना x, बात समझ में आई? फिर से सुनो, एनालिटिकल है, गिवन फंक्शन में जब x रेशनल नंबर है तो fx क्या आ रहा है x, fx x के इक्वल ही है, जब मैं कोई भी रेशनल रखूंगा तो fx भी क्या आ जाएगा रेशनल, तो जब fx रेशनल हो तो fx की वैल्यू क्या होगी x, क्या ये समझ में आया क्या? अब आगे देखिए, x जब इरेशनल है तो फंक्शन, जब मैं x इरेशनल रखूंगा तो 1 माइनस x भी इरेशनल आएगा, अगर x की वैल्यू रूट टू रख दू तो 1 माइनस रूट टू भी इरेशनल, x की वैल्यू रूट टू इरेशनल है तो 1 माइनस रूट टू भी इरेशनल, तो x इरेशनल के लिए 1 माइनस x इरेशनल है जो कि fx है, तो जब x इरेशनल हो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी fx क्या होगा 1 माइनस x, तो इसमें जब fx इरेशनल है तो 1 माइनस x की जगह क्या रखूंगा 1, क्या ये समझ में आया क्या? x जब इरेशनल है तो 1 माइनस x भी इरेशनल होगा, और 1 माइनस x की किसकी वैल्यू fx, ओके तो अभी इसको सॉल्व किया मैंने, तो x x belongs to rational, 1 minus 1 cancel, ये भी x, x does not belongs to rational, मतलब x belongs to irrational, जब x rational है तब भी fx की value x, जब x irrational है तब भी fx की value x, मतलब x for all x belongs to, मतलब आपका जो f of fx है वो x है, real number के set में दो ही type के numbers होते हैं, rational and irrational, उनको और क्लासिफाई कर लेते हैं, लेकिन रेशनल और इरेशनल का यूनियन करो तो रियल नंबर है, तो रेशनल हो तब भी x है, इरेशनल हो तब भी x है, दोनों का यूनियन कर दे तो x belongs to real number, तो f of fx क्या आ गया x, बात समझ में आ गई क्या? एनालिटिकल है, थिंकिंग वाला है, कैलकुलेट नहीं कर सकते, चलिए कंप्लीट हो गया सभी का। ठीक है, कंप्लीट, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दो तीन प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पर अलग से नहीं हमने कुछ ऐसे ही पॉइंट लिख लिए थे, कुछ और हम एक्सटेंड कर देते हैं उस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट है ना, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं और कुछ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे फर्स्ट हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ, ऑफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली, कोई बताएगा जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट कब होता है, जब एफ की रेंज जी के डोमेन में, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन एफ मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, लिख चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन भी कर चुके हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स,
डोमेन ऑफ जी भी लिख सकते हैं, डोमेन ये बात समझिए, रेंज ऑफ एफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी बता चुके हैं। सेकेंड, इन जनरल गॉफ और फॉग इक्वल नहीं होता, इन जनरल गॉफ इक्वल नॉट फॉग, क्वेश्चन से भी प्रूव कर चुके हैं और डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिख चुके हैं पहले, है ना? क्लियर है क्या? सेकंड प्रॉपर्टी, इन जनरल क्यों लिखा भाई? अगर जी और एफ इनवर्स हो एक दूसरे के या इनर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो तब वो इक्वल भी हो सकते हैं ना, पर इन जनरल फंक्शन के लिए दोनों इक्वल नहीं। थर्ड, लेकिन एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड होती, अगर तीन फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ, ठीक है? ठीक है, ये भी लिख। अब अगर हम डोमेन, डी फॉर डोमेन, डोमेन ऑफ गॉफ ये भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस लिख चुके हैं जब डोमेन निकाला था हमने, डोमेन ऑफ गॉफ एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, मतलब एक्स किसके डोमेन में हो, एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स नहीं, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स, ठीक है? अगर हम गॉफ का डोमेन निकाल रहे हैं तो एक्स गॉफ जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन, तो सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स इन द डोमेन ऑफ एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, बात समझ में आ गई? जो फंक्शन एफ की पूरी रेंज जी के डोमेन में बिलोंग, है ना? ये भी हम लिख चुके थे ऑलरेडी, है ना? तो ये और ये जो फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज लिखी हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, अब कुछ डिफरेंट लिख लेते हैं। तो इफ एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव समझते हो, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, मतलब वन वन ऑन टू, इफ एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट गॉफ एग्जिस्ट, सच दैट गॉफ एग्जिस्ट या गॉफ डिफाइन, then गॉफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? नोट करें, इफ एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव फंक्शन then गॉफ such that golf exists, then golf is also bijective, golf is also one one, बात समझ में आ गई? जी और एफ अगर दोनों bijective function है, one one on two है, तो उनका composition भी one one on two होगा, obviously fog भी, तो अपन composition golf को बोल रहे हैं ना, तो fog भी composition होता है, अपन in general यहाँ पर सब case में क्या लिख रहे हैं, golf fog भी composition अगर होता है, obviously fog is also bijective, ठीक है? लिखा नहीं है पर understood, इनर फंक्शन आउटर, जैसे इसमें इनर है ये आउटर, ये दोनों वन वन ऑन टू है, तो उसका कंपोजिशन आप इंटरचेंज कर देंगे तो फॉग बनेगा, तो वो भी वन वन, बात समझ में आ गई? चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इवन और ऑड से रिलेटेड, अगर अब जब गॉफ की बात करूंगा वही रिजल्ट फॉग के लिए भी आप मान सकते, गॉफ इज इवन If at least golf कब even होगा? If at least one of gx and fx is even. If at least one of fx and gx is even. क्या मतलब हुआ इसका? सुनो, मतलब ये हुआ कि fx और gx में से अगर कोई एक कम से कम एक even है तो composite function even हो। मतलब अगर fx even है और gx odd तो उनके कंपोजिशन से जो गॉफ बनेगा वो इवन हो, अगर एफ एक्स ऑड है जी एक्स इवन है तो कंपोजिशन से इवन बनेगा, एफ एक्स इवन है जी एक्स ऑड है तो भी कंपोजिशन से इवन बनेगा, एटलीस्ट लगा दोनों इवन है तो भी कंपोजिशन से इवन, तो भी कंपोजिशन से इवन बनेगा, क्लियर? एंड गॉफ इज ऑड, गॉफ इज ऑड इफ both of fx, both fx and gx are odd,
बात समझना आगे क्या, दोनों में से कोई भी एक इवन हो कंपोजिशन, जैसे अगर हम cog x लिखते हैं, सपोज n mod x, दो फंक्शन से बना है, दो फंक्शन का कंपोजिशन किया हमने, जैसे अगर हमने gx लिया mod x और fx लिया है tan x, तो cog x कैसे बनाओगे, f of gx, gx क्या है, gx है mod x, इस पे लगाएं tan पर, fx क्या है, fx क्या है, जो वेरिएबल fx equal to tan x है, fx equal to tan x है, यहाँ वेरिएबल mod x है, तो tan mod x, ये क्लियर हो गया, समझ में आया, gx mod x लिया, fx tan x लिया, तो fog क्या बन गया, हाँ इवन होगा ऑड होगा, ये mod x इवन है, tan x ऑड है, fog x क्या होगा, इवन होगा, दोनों में से कोई भी एक इवन हो, एटलीस्ट वन इज इवन, दोनों इवन हो तो भी इवन, एक इवन तो भी इवन, ठीक है, लेकिन जब दोनों ऑड होंगे, एफ एक्स और जी एक्स दोनों ऑड होंगे, तो उनके कंपोजिशन से जो नया कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो ऑड, क्या बात समझ में आ गई, कंप्लीट, नोट कर लें, एक मिनट का टाइम देता हूं, फिर हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, नोट करें, हो गया नोट, हो गया क्या, कंप्लीटेड कर दें, नहीं इसमें ये फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी तो पहले ही बता दी, लेकिन एक साथ लिख दी सारी, नेक्स्ट कंसेप्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है ना, हमें फंक्शन का इनवर्स निकालना है, देखिए किसको बोलते हैं, पहले डिफाइन करूं, लेट एफ ए इंटू बी बी अ 1 1 on 2 1 1 on 2, कोई और क्या बोलते हैं हम, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या लिखा है, लेट एफ ए इंटू बी बी ए 1 1 on 2, उसी को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, then there exists a unique function g, a into b की जगह क्या हो जाता, b into, ठीक है, देखो आप ध्यान से देखना, 1 1 on 2 bijective function है, अगर बोल दिया है तो ये तो domain, ये तो domain रहते ही है, अगर function बोला है f is a function a into b, तो ये domain, first set तो domain ही हो, second set codomain होता है या range, और हमने कैसा function बोल दिया, bijective, bijective मतलब 1 1 on 2 on 2, मतलब onto फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसका रेंज और कोडोमेन इक्वल, तो ये जो b है यहाँ कोडोमेन भी है तो रेंज भी है ना, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है, क्योंकि फंक्शन ऑन, तो अब अगर हम इसको यूं बोलें कि ये डोमेन है और ये रेंज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑन, राइट, बात समझ में आ गई क्या, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g into a, तो हम ये बोलें कि रेंज को डोमेन बना दिया, डोमेन को रेंज बना दिया, नया जो फंक्शन है उसमें डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो, then there exists a unique function
जी बी इंटू ए सच दैट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. ये वाई इक्वल्स टू एफ एक्स किसके लिए लिखा है? इफ एंड ओनली इफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स से हमने एक्स और वाई को भी इंटरचेंज कर दिया. एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकाली और उसको क्या बोला, नया फंक्शन एक्स इक्वल टू जी वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू. क्या यहां तक समझ में आया क्या? एफ ए इंटू बी बी ए वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शंस, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन. एक नया फंक्शन बनाया जी, उसमें क्या किया, डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया. जो f का डोमेन था वो g का रेंज हो गया, जो f का रेंज था वो g का डोमेन हो गया. सच दैट y इक्वल्स टू fx, ये इस फंक्शन के लिए है. तो उससे हमने x इक्वल टू gy निकाला, x की वैल्यू y की टर्म्स में, उसी को फंक्शन gy बोला. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू, दस फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f. फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f. मैं क्या लिखूं, अगर ऐसा यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है, g इक्वल टू f इनवर्स. f इनवर्स किससे किस पर डिफाइन होगा, b टू b से. और ordered pair में fx कॉमा x हो, जैसे x कॉमा y होता था, ये y कॉमा x हो, f इनवर्स में क्या आएगा ना, g equals to f inverse b into a. और ये f inverse equal to है, मतलब ये कहने का मतलब हम बोल सकते हैं f inverse set of ordered pair. अगर f होता तो x comma y होता, ये y equal to fx है तो y comma x, such that x comma fx belongs to f. ठीक है, ordered pair अगर x comma fx f में आ रहा है तो f inverse में interchange हो जाएगा y x. क्या ये समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो ए पी बी क्यू सी आर ये फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ है, ए से बी पे डिफाइन. वन वन ऑन टू है, एक के करेस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट इमेज, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन. पी क्यू आर डोमेन भी है और सॉरी कोडोमेन भी है और रेंज, राइट. सो फंक्शन इज वन वन ऑन टू, इसलिए इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट होगा, बी से ए पर एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने बी से ए पर, तो इधर बी क्यू आर आ जाएगा, इधर ए बी, ये क्या आ गया है एफ इनवर्स. समझ में आया क्या? तो अब कहने का मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं कि एफ ए फंक्शन की वैल्यू ए पर पी है, तो आप बोल सकते हो एफ इनवर्स की वैल्यू पी पर, मतलब कहने का मैंने एफ को उधर शिफ्ट किया, क्यों बोले हम एफ इनवर्स पी इक्वल टू ए, देख भी सकते हैं आप एफ इनवर्स पी. ठीक है, अब बी पर जैसे फंक्शन की वैल्यू बी पर क्या है क्यू, तो आप क्या बोल सकते हो एफ इनवर्स क्यू इक्वल टू बी. क्या बात समझ में आ गई सभी को? तीसरे एलिमेंट के भी ले लीजिए, एफ सी इक्वल टू आर एफ इनवर्स सी F inverse R equal to C. समझ में आया क्या सभी को? बिल्कुल नेसेसरी है वन वन ऑन टू, बाइजेक्टिव होना बिल्कुल जरूरी है. देखो रीजन, देखो बाइजेक्टिव होना बिल्कुल जरूरी है. देखो ये फंक्शन अगर मैं बनाता हूं वन वन नहीं है, ए बी दोनों पर पी है और सी पर क्यू, ठीक है, ए से बी पर ये फंक्शन है, वन वन नहीं. अब इसका इनवर्स अगर मैं बनाता हूं, इसका इनवर्स अगर मैं बनाऊं है ना, इससे ये बी क्या होगा, पी और क्यू, पी के करेस्पॉन्डिंग इधर क्या आ जाएंगे, पी के करेस्पॉन्डिंग ए और क्यू के करेस्पॉन्डिंग, ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, इट इज नॉट अ फंक्शन. मालूम है ना, एक ही पॉइंट की दो इमेज नहीं हो सकती, इट इज नॉट अ फंक्शन. तो फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो,
जो इनवर्स आपने जिसको बोला वो फंक्शन ही नहीं, राइट। दूसरा केस, अगर मैं ए बी पी क्यू और ये फंक्शन है पर ऑन टू नहीं, ए बी पी क्यू आर ऑन टू नहीं, दिख रहा है क्लियर। अब अगर ये ऑन टू नहीं है तो बी टू ए, बी में पी क्यू आर है और इधर ए, ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। आपने इनवर्स बना दिया बी और ए को, इंटरचेंज कर दिया, फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है फंक्शन? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए हैज इमेज इन सेकेंड सेट बी, देन इट इज अ फंक्शन। तो जो आर है उसकी कोई इमेज ही नहीं, तो फंक्शन वन वन नहीं लिया तो इनवर्स एक्सिस्ट ही नहीं हुआ। इनवर्स जिसको आपने जबरदस्ती बना दिया वो फंक्शन ही नहीं है, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हुआ। अगर मैंने ऑन टू लिया तो उसका भी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हुआ, ऑन टू नहीं लिया इनटू लिया तो उसका भी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं। मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन इस तरह का होना चाहिए, वन वन एंड ऑन, मतलब बाइजेक्शन, वन वन होना भी कंपलसरी है और ऑन टू होना। क्या यहां तक समझ में आया कि सभी को? ठीक है, रफ करें नोटेड। हाँ, इवन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, क्यों? इवन फंक्शन जो होता है वो मैनी वन होता है, एक्स की एक ही वैल्यू पर दो इमेजेस आती हैं, इसलिए इवन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि इवन फंक्शन वन वन नहीं होता। बिल्कुल सही। हाँ, ये हो गया, मैं रफ करूं। ठीक है, अब इनवर्स फाइंड कैसे करना है? देखो, सबसे पहले तो फंक्शन कंफर्म करना पड़ेगा, वन वन ऑन टू होगा तो इनवर्स एक्सिस्ट हो। अब वर्किंग रूल क्या, आपने कंफर्म कर लिया, सबसे पहले फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन, अगर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन, फर्स्ट y equals to fx is a function, we are bijective, है ना? हम कुछ भी बोल रहे हैं, if function दिख रहा है, if function fx be a bijective function, ठीक है यहां तक? Let function f be a bijective function, then express function as y equal to fx. किस फॉर्म में लिखो? y equal to fx के फॉर्म। जैसे फंक्शन f equal to 3x plus 5 दिया है, तो पहले उसको y से डिनोट करो, y equal to 3x plus 5, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, express x, पहले y equal to fx के फॉर्म में लिखते हैं, अब express x in terms of y, second point, express as in terms of y, the third point, replace x by f inverse x and y by x, ये तीन थ्री पॉइंट्स को यूटिलाइज करके हम इनवर्स, जैसे एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, आर इनटू आर गिवन के एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर,
क्लियर यहां तक? एक फंक्शन जो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन, डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, और ऑड डिग्री पॉलिनोम और कोड, तो फंक्शन 1112 हो गया, क्योंकि रेंज निकालूंगा आर, को डोमेन भी आर, 1112 है बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, हाँ, तो इनवर्स निकालने की मेथड मैंने बताई, क्या बताया है, एफ एक्स को किससे रिप्लेस करो, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखो फंक्शन, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, एक्सप्रेस फंक्शन इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, सेकेंड एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो, तो एक्स क्या आ जाएगा, वाई माइनस फोर बाई थ्री, सेकेंड स्टेप समझ में आई क्या सबको, नाउ थर्ड एंड लास्ट स्टेप, एफ इनवर्स एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स एक्स से, ठीक है, और वाई को रिप्लेस कर दो एक्स, क्या आ गया आपका एफ इनवर्स एक्स, और किससे किस पर, यहाँ डोमेन, और ये देखो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो कोडोमेन बोलने की जरूरत नहीं, ऑन टू है, ऑन टू में कोडोमेन और रेंज इक्वल होता था, रेंज है ये, अगर बाइजेक्टिव, ये रेंज है और ये डोमेन, रेंज और डोमेन इंटरचेंज, तो यहाँ आर आर है इसलिए लगेगा नहीं कि इंटरचेंज किया, ऐसे समझ में आया क्या, एफ इनवर्स फंक्शन जो है आर से आर पर डिफाइन है, सच दैट एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर बाई, इनवर्स समझ में आ गया सभी को। चलिए हम दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स के मेथड सभी को समझ में आ गई, नोटेड, क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट, एक्सप्रेस एक्स, एक्स एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना, एक्सप्रेस की जगह आप लिख सकते हो फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, या एक्स एक्सप्रेस भी लिखा तो सही है, एक्सप्रेस एज नहीं है वो एक्स है, एक्स इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, समझ में आ गया, फिर जो x की वैल्यू f y की टर्म में आ गई, x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो y पर x, तो f इनवर्स, ओके चलिए, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी कि जो इनवर्स हम निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, तो एक ही फंक्शन के दो इनवर्स नहीं हो सकते, यूनिक बोला, यूनिक होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक फंक्शन जी, तो अगर दो आ जाए एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में कैलकुलेट करते समय अगर दो वैल्यू आ जाए तो उनमें से एक ही आंसर होगा, तो एक रिजेक्ट होगा एक सिलेक्ट होगा, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम कुछ, फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स कुछ, फाइंड इनवर्स फंक्शन लिख रहा है, फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ, सभी को विजिबल है, ठीक है, अब नीचे लिखूंगा मैं, फर्स्ट एफ आर इंटू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एट, सेकेंड f माइनस इंफिनिटी टू फोर वन टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू, f r इंटू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाय टू, ठीक है, कर सकते हैं, फर्स्ट का आंसर कौन बता रहा है, क्यूब रूट एक्स माइनस एट, मिहिर बिल्कुल सही, क्यूब रूट एक्स माइनस एट बिल्कुल सही, देखो फर्स्ट बड़ा आसान है, फर्स्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था,
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो डोमेन आर रेंज भी आर, सो इट इज वाई जेड, एफ इज वाई जेड, राइट, एफ वाई जेड, सो इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो प्रोसेस अप्लाई कर दो, वाई से रिप्लेस करो, फिर एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई माइनस एट निकालो, एक्स निकालो वाई माइनस एट होल पावर 1/3 या क्यूब रूट, एक्स के प्लेस पर एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई के प्लेस पर एक्स क्यूब रूट, और ये एफ कहां से कहां तक आता है, एफ नहीं एफ इनवर्स, एफ इनवर्स भी आर से आर, डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज है ना, वो आर टू आर है इसलिए लग नहीं रहा है कि इंटरचेंज हुआ, पर होता इंटरचेंज, समझ में आया क्या फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू फोर वन टू इंफिनिटी, डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू फोर और वन टू इंफिनिटी, डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू फोर और को डोमेन है वन टू इंफिनिटी, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या डोमेन माइनस इंफिनिटी और को डोमेन की फंक्शन 1 1 1 2 है, तो एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो वाई से सबसे पहले हम क्या करें एफ डैश एक्स निकालें, टू एक्स माइनस ए यही आएगा डिफरेंशिएशन, अब देखो डिफरेंशिएशन किसके लिए क्यों निकाल रहे हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो 1 1 हो जाएगा डोमेन, अब देखो ध्यान से x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है माइनस इंफिनिटी टू 4, तो माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी और 4 पर 0, माइनस इंफिनिटी से 0 में आएगा f, देखो ध्यान से डोमेन माइनस इंफिनिटी से 4 ही है केवल, तो 2x माइनस 8 की वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 8 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, अरे भाई यहाँ 4 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ तो 8 माइनस 8 0, क्या आ जाएगा, f dash x is always greater than or equal to 0 for all x belongs to minus infinity to 4, समझ में आया क्या, f dash x greater than or equal to 0 आ गया माइनस इंफिनिटी टू 4 में, तो फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग, मतलब एफ क्या हो गया 1, इंजेक्ट, समझ में आई क्या बात सभी को, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए या लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो 1, लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, यस ठीक है, माय मिस्टेक, 2x माइनस 8 4 पर तो 0 आ रहा है और 3 पर नेगेटिव आएगा माइनस इंफिनिटी पर माइनस, है ना, माय मिस्टेक, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्लियर, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग तो एफ एक्स इज 1, ये क्लियर हो गया सभी को, ओके, अब रेंज निकालना है, रेंज निकालना है, ये रेंज निकालना आती है और इसी डोमेन में निकालना माइनस इंफिनिटी से 4, तो अगर देखो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूं x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, अब देखो x माइनस 4 होल स्क्वायर की वैल्यू, x माइनस 4 होल स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, डोमेन में 4 है क्या, है तो 0 हो जाए, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 greater than or equal to 1, 1 दोनों पी हो गया fx, तो fx मतलब रेंज आ गई आपकी 1 to infinity which is equal to codomain, which is equal to codomain, so f is 1, समझ में आ गया क्या, function 1 1 भी है 1 2 भी है, clear है, function 1 1 1 2 दोनों, आई फर्स्ट रफ कर रहा हूं,
फंक्शन वन 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 टू दोनों हो गया। समझ में आया कि सबको वन वन के लिए हमने एफ डेफ एक्स निकाला, ठीक है, एक्स प्लस एट बाई टू नहीं करें जी, इतना समझ में आया कि सभी को। अब आपको अब इनवर्स निकालना है क्योंकि वन 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 टू टू हो गया, तो इनवर्स निकालने के लिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवनटीन से इस एफ एक्स को वाई इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ले, क्लियर। अब x की वैल्यू y की टर्म में निकालना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी बनाया था इसलिए इसी को भी कर। अब x की वैल्यू x माइनस फोर होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस वन, x माइनस फोर होल स्क्वायर है तो x माइनस फोर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस वन, तो x इक्वल टू फोर प्लस माइनस अंडर रूट y। अब दिक्कत, ठीक है क्या यहां तक, यहां तक सभी को समझ में आया क्या, कैलकुलेशन ठीक है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये तो दो दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू नहीं हो सकती, किने क्या बोला, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स को रिप्लेस करो, एक्स को एफ इनवर्स एक्स से और वाई को, एफ इनवर्स एक्स दो नहीं हो सकते इनवर्स। अब देखो ये एफ इनवर्स एक्स अगर आप लिख रहे हो तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगा, तो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा वन टू इंफिनिटी और रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू फोर। रेंज मतलब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है फोर, तो मैक्सिमम वैल्यू फोर होने के लिए माइनस लेना पड़ेगा, अगर मैंने प्लस ले लिया तो ये तो एड होके फोर से ज्यादा नंबर आ जाएगा, रेंज में फोर से स्मॉलर या फोर आ। समझ में आया क्या, प्लस क्यों रिजेक्ट किया माइनस क्यों लिया? तो जब दो वैल्यू आएंगी एफ इनवर्स एक्स की, कैलकुलेट करते समय एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में अगर दो आएंगी तो उसमें एक रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट कैसे किया वो समझ में आया कि सबको, डोमेन और रेंज इंटरचेंजेबल है इनवर्स में, हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवनटीन माइनस वाई इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक, उससे भी दो वैल्यू आएंगी, तो दो वैल्यू में से एक रिजेक्ट कैसे हुई वो समझ में आया क्या, एफ इनवर्स एक्स की रेंज है माइनस इनफिनिटी टू फोर, अगर मैं प्लस लेता यहां तो फोर से लार्जर आ जाता वैल्यू, इसलिए माइनस के, तो प्लस साइन रिजेक्ट। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड कर रहे हैं, सेकंड नोट कर लिया सभी ने, थर्ड करें। थर्ड डोमेन भी आर है, रेंज कोडोमेन आर, कोडोमेन आर, रेंज निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? अब यहां रेंज निकालने का प्रोसीजर भी यही है, क्या है रेंज निकालने का प्रोसीजर, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में था, एक्स माइनस वन बाई एक्स टू वाई, ये समझ में आया क्या किया? e टू एक्स माइनस वन अपॉन टू ई एक्स, ठीक है, तो यहां से e टू एक्स माइनस टू बाई ई एक्स माइनस वन, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, e to the power 2x में quadratic है, e to the power x में quadratic,
ये ए हो गया वन, बी हो गया टू बाई, ठीक है यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, log of 2x by 2 नहीं नहीं है, एस सॉरी, हाँ यहां तक समझ में आया क्या? मैं 1-1 on 2 में प्रूव नहीं कर रहा हूं, 1-1 on 2 आप प्रूव करना, 1-1 on 2 आप प्रूव करना, कैसे कैसे प्रूव करोगे? डिफरेंशिएशन से ही होगा, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया पूरे डोमेन में तो 1-1 हो जाएगा, ठीक है समझ में आया? चलिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया 1-1 on 2 है, तो मैंने y से रिप्रेजेंट किया और अब x की वैल्यू y की टर्म में लाने की कोशिश कर, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाऊं, ex equal to minus b plus minus under root b square, b square minus 4ac, upon 2, तो 2 कॉमन निकाला, यहां से भी 2 निकला, ठीक है। अब देखो समझना है, प्लस और माइनस में से e टू दी पावर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है एक्सपोनेंशियल, अगर मैं यहां माइनस साइन ले लूं, अगर मैं माइनस साइन ले लेता हूं तो देखो ये y है और ये जो भी है ये y से ग्रेटर, y स्क्वायर y आ जाएगा, उसमें कुछ ऐड होगा तो y से ग्रेटर आएगा कि नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया विच इज नॉट वर्क, e टू दी पावर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, केवल हम देयरफॉर e टू दी पावर x इक्वल टू y प्लस, इतना समझ में आया? अब x की वैल्यू निकाल लो, x निकालोगे तो log आएगा, सबको मालूम है क्या, x निकालेंगे तो log में आएगा, x को f इनवर्स x बोलेंगे और y को x से रिप्लेस, आपका f इनवर्स आ गया r into r, f इनवर्स x इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, समझ में आया? 1-1 on 2 आप लोग प्रूव कर लेंगे, तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है क्लियर है सभी को? चलिए कर दूं, रफ हो गया, यहां का तो हो गया था चंदन, इधर वाला पोर्शन तो हो गया था चंदन, चल ये और कंप्लीट कर लो, अब जो हमें कुछ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो एक दो चीज हमने डेफिनेशन में ही क्लियर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं जो डेफिनेशन में ही क्लियर है बिल्कुल, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता 1-1 on 2 का बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन है तो आपने उसका इनवर्स निकाला, जो इनवर्स आता है वो भी बाइजेक्टिव होता है, इनवर्स एक फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन वो भी बाइजेक्टिव, हम लिख रहे हैं इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन तो उसमें इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव,
एंड यूनिक। हाँ यूनिक का मतलब समझते हो, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो बाइजेक्टिव होगा खुद, यूनिक भी होगा। यूनिक का मतलब एक ही आएगा इनवर्स, अभी अपन ने देखा भी एक रिजेक्ट हो जाता है अगर दो के साथ। इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव एंड यूनिक। बात समझ में आ गई क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इनवर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट होता है ये मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट डेफिनेशन में ही लिख दिया। और इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो बाइजेक्टिव होगा, साथ में यूनिक भी हो। यूनिक मतलब ओनली वन, उसके जैसा और दूसरा इनवर्स नहीं, राइट? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब सेकेंड, लेट एफ ए इंटू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड g b into a is the inverse of f. यहां तक समझ में आया? g b a into f, a into b बाइजेक्टिव फंक्शन ले लिया और g b into a उसका इनवर्स ले लिया, then Gof x equal to i a. Gof है ना, सीधा Gof भी लिख सकते हैं, Gof x ना भी लिखे, composition of g of f i a and fog equals to i b where i a and i b are identity function in set A and B respectively. ठीक है, where I A and I B are identity function in set A and B respectively. हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन मालूम है क्या होता है? बताया एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो सेट दोनों एक्स आएंगे, देखो जी क्या है, एफ का इनवर्स, तो आप जी ऑफ एफ इनवर्स का मतलब ये हो गया एफ इनवर्स एफ एक्स हो गया। हाँ, बाइजेक्टिव है तो ये रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा, ये एफ एक्स मतलब अगर हम इसको एक्स बोले इसको वाई बोले ये हो गया वाई, है ना, और वाई इक्वल टू एफ एक्स से अगर आप ये एफ को इधर शिफ्ट करेंगे एफ इनवर्स वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स आया, लेकिन सेट ए में ही आ गया एफ इनवर्स, समझ में आया क्या? ये एक्स आया आइडेंटिटी फंक्शन आया, उससे भी एक्स ही आएगा लेकिन वो सेट ए का आइडेंटिटी फंक्शन होगा ये बात, और इससे निकालेंगे वो सेट बी में आइडेंटिटी फंक्शन। बात समझ में आएगी ये सभी को? अब जैसे फॉग निकालोगे, फॉग तो फॉग का मतलब एफ ऑफ जी की जगह एफ इनवर्स f of f inverse x, f inverse x, f inverse x, f inverse x की वैल्यू। अब देखो g में ये y है और ये x है ना, अगर f g इसका इनवर्स है तो x y की जगह क्या हो जाएगा y x, तो f inverse x की वैल्यू फंक्शन है g की वैल्यू किसमें मिल रहा है भाई, y equals to x आइडेंटिटी फंक्शन में y equal to क्या होता है x होता है, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए y इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, बस डिफरेंस क्या आया यहां पर, आप ये पूरी वैल्यू किसमें देख रहे हो, f में,
और यहाँ पर पूरी वैल्यू किस में देख रहे हो, एफ इनवर्स। तो यहाँ एफ इनवर्स की रेंज, एफ इनवर्स मतलब जी, वो किस में मिलेगा, सेट ए। इसमें सेट ए में आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, और इसमें फंक्शन एफ में देख रहे हो, ये सेट बी में आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? ठीक है, सेकंड पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। दोनों से आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा। क्या लिखा है आपने, फिर से लिखें, जस्ट मिनट। There should be F inverse X equal to X. Yes, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स से एफ एक्स कैसे आ रहा है, एक्स आएगा ना। चलो केवल वो कंफ्यूजिंग है आपको। देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो अगर मैं वेरिएबल कोई सा भी ले सकता हूं यहां पर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो f इनवर्स x की जगह क्या लिख सकता हूं, f इनवर्स x, f इनवर्स x, f इनवर्स x की वैल्यू किसकी टर्म में आती है, y की टर्म में आती है। ठीक है, और fy क्या आएगा, fy क्या आएगा, ये f इनवर्स y से x आया। ठीक है, अगर मैं fy निकालूं fx, fx equal to y, fy equal to x, because they are inverse of each other. समझ में आया क्या? तो बस देखना क्या है कि जो फॉर्म है वो आइडेंटिटी फंक्शन सेट बी में हो। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सेट बी में भी है। ठीक है, और यहां पर, यहां पर इनवर्स की वैल्यू, इनवर्स की वैल्यू सेट ए में मिलेगी। समझ में आया क्या? ये आउटर फंक्शन जी है, आउटर फंक्शन जी है, तो उसकी इमेज सेट ए में मिलेगी, तो सेट ए में आइडेंटिटी फंक्शन है एक्स ही आएगा। इधर आउटर फंक्शन एफ है, तो उसकी इमेज, आउटर फंक्शन एफ है, तो उसकी इमेज सेट बी में मिलेगी, सेट बी में आइडेंटिटी फंक्शन दोनों से आएगा एक्स। क्लियर? बस डिफरेंस किसका आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट ए एंड इन सेट बी। क्लियर हो गया क्या ये पॉइंट सभी को? चलिए एक और लिखना चाहता हूं, लिखें फटाफट, थर्ड पॉइंट। थर्ड, ठीक है, एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस सच दैट बॉफ एंड फॉब एग्जिस्ट। ठीक है, इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट बॉफ एंड फॉग एग्जिस्ट, देन गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एंड फॉग इनवर्स जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान।
हाँ देखो एफ और जी बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं तो उनका कंपोजिशन बनेगा, तो बॉफ फॉग बनेगा या बॉफ बनेगा कंपोजिशन, एफ और जी का कंपोजिशन करेंगे दोनों बाइजेक्टिव होंगे, बाइजेक्टिव होंगे तो उनका इनवर्स है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, ये पहले एफ और जी का कंपोजिशन फंक्शन बनाया और फिर उसका इनवर्स लिया, तो बॉफ होल इनवर्स राइट। और यहां क्या किया, फंक्शन एफ का इनवर्स निकाला, फंक्शन जी का इनवर्स निकाला, फिर दोनों का कंपोजिशन। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, लेकिन ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं बॉफ और फिर उसका इनवर्स। यहां पर क्या कर रहे हैं, एफ इनवर्स निकाला, जी इनवर्स, फिर उनको कंपोजिशन। बिल्कुल मैट्रिसेस में भी ऐसे ही होता है, मैट्रिसेस ए बी इनवर्स में बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, बिल्कुल उसी तरह। बात समझ में आ गई क्या, थर्ड प्रॉपर्टी सभी को, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या। एक और लिखने, लास्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, अबाउट द लाइन y equals to x, that is these graphs मतलब fx का graph और f inverse x, these graphs are the mirror image of each other in the line y equals to x, are the mirror image, symmetric का मतलब mirror image, are the mirror image of each other in the line. बात समझ में आने का, किसी भी फंक्शन का और उसके इनवर्स का ग्राफ लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है या लाइन y इक्वल टू x के अबाउट एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। जैसे एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर x, मालूम है y इक्वल टू e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल, इसका इनवर्स फंक्शन निकालो, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा ex equal to y, तो log ले ले, तो x equal to log y, x को कितने रिप्लेस करें, f इनवर्स x से और y को x, ये y equal to x, they are the inverse of each other, और देखो ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, लाइन y इक्वल टू x के अबाउट ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक मिरर इमेज। बात समझ में आ गई क्या, लाइन y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज ग्राफ, क्लियर है सभी को। लास्ट पॉइंट, थर्ड फोर्थ पॉइंट हमने जो लिखा वो क्लियर है क्या सभी को, बिल्कुल y इक्वल टू f x और y इक्वल टू f इनवर्स दोनों का ग्राफ बनाए तो they will be symmetric about the life, है ना। तो हमने ये फोर प्रॉपर्टी लिखी है, एक दो प्रॉपर्टी और है, कल फिर इन पर क्वेश्चंस करेंगे। आज बिगनर बॉक्स 9 कर सकते हैं, बिगनर बॉक्स 9, ठीक है। कल हमारी रिवीजन क्लास होगी, उसमें क्वाड्रेटिक आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके कंप्लीटेड, चलिए टाइम भी हो गया है, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Okay, bye.